हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस लाइव हो गया है, गूगल माई बिजनेस में आपकी लिस्टिंग लग चुकी है और मोबाइल नंबर अंडर रिव्यू है, तो मोबाइल नंबर को अंडर रिव्यू से बाहर कैसे निकालें। कोई भी लिस्टिंग लाइव करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है या टेक्स्ट मैसेज या वीडियो वेरिफिकेशन या फिर पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन, किसी भी मेथड से आप अपना बिजनेस लाइव कर सकते हैं। बट उसके बाद आपका मोबाइल नंबर काफी दिनों तक अंडर रिव्यू रहता है। मोबाइल नंबर को अंडर रिव्यू से बाहर निकालने का एक अलग से फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म फिल कैसे करते हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम उसी का डिस्कस करते हैं। और मैं अपने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि आप उस फॉर्म को कैसे फिल करें। यहाँ पर एक मेल आया हुआ है और इस मेल में लिखा हुआ है कि आपकी लिस्टिंग लाइव हो चुकी है और मोबाइल नंबर के लिए आपको एक ये फॉर्म फिल करना है, यूज अवर फॉर्म। लैंग्वेज सेलेक्ट करें आप। Have you already submitted a form review request for this business? No. Are you the official representative of the company? Yes. Did you read the quality guideline? Yes. उसके बाद है first name, last name, email ID. आप email ID डालें। What is the name of your business? अपने business का name accurate डालें जो आपकी listing में दिया हुआ है। What is your business website? आप अपनी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट आपकी लिस्टिंग में लगी हुई है वही वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करें। Where do you manage your profile? यहाँ पर आप इन्फो पर क्लिक करने के बाद जो URL आता है उसको पेस्ट करें। अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट में आपको अपनी जो आईडी है वह सबमिट करें। आपको यहाँ पर अपनी आईडी सबमिट करनी है, वह बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या फिर उद्योग आधार कार्ड या फिर कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है, आपकी इनवॉइस है या फिर आपका विजिटिंग कार्ड है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आप सबमिट करें। यहां पर एक केस आईडी जनरेट हो चुकी है। इस केस आईडी के अगेंस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट गूगल की तरफ से मांगा जाता है तो आपको वह डॉक्यूमेंट सेंड करना है, अदरवाइज आपका मोबाइल नंबर लाइव हो जाएगा। मोबाइल नंबर लाइव करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रोसीजर है, जो पहले प्रोसीजर होता था कि सजेस्ट एंड एडिट में जाकर आप अलग अलग आईडी से नंबर डालकर लाइव कर सकते थे, उस केस में अब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना मोबाइल नंबर लाइव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।